दोस्तों लास्ट राइड में मैंने कीचड़ में स्केटिंग की थी जिससे मेरे स्केट बहुत ही गंदे हो चुके हैं और अब मुझे इन्हें क्लीन करना ही पड़ेगा क्योंकि इनके व्हील्स जाम हो चुके हैं। तो मैंने दोनों स्केट के सारे व्हील खोल दिए जिनकी हालत ऐसी है और फ्रेम खोलते वक्त नट ही स्लिप हो गया इसलिए दोनों फ्रेम नहीं खोले। लाइनर देखा तो उसकी भी वाट लगी हुई है। व्हील्स में से बेयरिंग्स निकाल कर देखे तो उनमें भी कीचड़ और जंग लगा हुआ था। फिर मैंने सारे व्हील्स को ब्रश करके धो दिया। धुलने के बाद ये बिल्कुल नए व्हील्स लग रहे थे। फिर मैंने दोनों शू और फ्रेम को गीले कपड़े से पोंछकर साफ कर दिया और उसी कपड़े से बेयरिंग्स पर लगा कीचड़ भी साफ किया। फिर सभी बेयरिंग्स से कवर निकाले और उन्हें अच्छे से ड्राई किया और सभी को ऑयलिंग के बाद घुमाकर देखा तो सब फ्री हो चुके थे। बस एक बेयरिंग घूमने का नाम नहीं ले रहा था। बाकी बेयरिंग्स को कवर अप करने के बाद जो बेयरिंग घूम नहीं रहा था उसको एबेक 7 बेयरिंग से रिप्लेस कर दिया। फिर सभी व्हील्स को ड्राई करने के बाद उनमें बेयरिंग्स वापस लगा दिए। फिर सभी 6 चमचमाते व्हील्स को वापस फ्रेम में कस दिया और लगभग 2 घंटे तक क्लीन करने के बाद मेरे स्केट बिल्कुल नए दिख रहे थे। और बात करें लाइनर्स की तो उन्हें और घिस घिस के धोना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कीचड़ वाली सरफेस पर कभी स्केटिंग नहीं करूंगा। बस हवा निकल गई। और अगर आपको फुल क्लीनिंग वीडियो देखना है तो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा।